हेलो दोस्तों, तो आज एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट सामने निकल के आई है। दैट इज जो कि दैनिक सवेरा का न्यूज़पेपर है उसमें कवर की गई थी। तो इश्यू क्या था, देखिए ये जो अपडेट है ये हरियाणा पुलिस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सभी की सभी भर्तियां जो HSC कंडक्ट करती है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे एक सवाल है। जैसा कि आप सभी को पता है, HSC की जितनी भी भर्तियां हैं वो बिना केस हुए हुए कंप्लीट नहीं होती, मोस्टली में ऐसा रहता है। तो अभी जो हुआ है रिसेंटली, क्या हुआ है कि जो 2018 की जो पुलिस की भर्ती थी जिसमें मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, रिजर्व बटालियन और सब इंस्पेक्टर, सारी की सारी जो भर्ती थी उन पे केस चल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था, उस पे पिटीशंस फाइल की थी 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने। ठीक है, अलग अलग उनको क्वेश्चंस को लेके। तो उसी पे हाई कोर्ट ने क्या किया था, पैनल बना दिया था 3 एडवोकेट्स का। ठीक है ना, जिसमें रविंदर सिंह डुल, रजत मोरो और विशाल शर्मा, इन तीनों का जो एडवोकेट, उनका एक पैनल बना दिया था। तो रिसेंटली पैनल ने एक रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट काफी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता ही है। ठीक है ना, लेकिन पता होना और ऑन पेपर आना उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, पता तो सबको पता नहीं किस किस चीज का, लेकिन जब आप उसको ऑन लीगल टर्म्स उसको लेके आते हैं देन दैट इज द रियल थिंग, वो असली चीज होती है। तो अभी क्या हुआ है, जो रिपोर्ट पेश की गई है, देखिए ये जो चीज सामने निकल के आई है ये सिर्फ पुरानी भर्ती से रिलेटेड नहीं है, ये जो करंट भर्ती चल रही है इससे भी जुड़ी हुई है और जो आगे भर्ती होंगी उनसे भी जुड़ी हुई है। तो हुआ क्या है कि जो इस भर्ती के अंदर जो जितनी भी चीजें हैं सामने निकल के आई हैं, उसमें क्या हुआ है कि कुछ बच्चों के, जैसे रोल नंबर भी मैच यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ बच्चों के तो स्क्रूटनी के फॉर्म भी मिले नहीं है, मिसिंग है। और जिन बच्चों ने मार्क्स क्लेम किए थे उनको तो मार्क्स नहीं दिए गए, और जिन्होंने मार्क्स क्लेम नहीं किए थे उनको मार्क्स दे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे चीजें सामने निकल के आई है, किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी मार्क्स दे दिए गए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट हैं फुलफिल करता है वो हर कंडीशन, उसको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक पे नहीं, ये सारे की सारी सिर्फ एक चीज को लेके नहीं है, ये सभी के सभी, मतलब पूरी की पूरी जो भर्ती है, जैसे जो मेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल है, सभी से जुड़ी हुई है। जैसे कि स्क्रूटनी फॉर्म नहीं मिले हैं तो जिनको IRB में भी सेम चीज है, जो फीमेल कांस्टेबल है सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, फीमेल कांस्टेबल, ठीक है, और मेल कांस्टेबल, सभी के सभी में ये चीजें मिले हैं, लूप होल्स मिले हैं। ठीक है, तो लूप होल्स मैं बता देता हूँ किस किस चीज के अंदर मिले हैं। कुछ का स्क्रूटनी फॉर्म नहीं मिला है, कुछ के मार्क्स, देखिए मेन चीज तो ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को लेके ही है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को लेके ये चीजें हैं, तो उसमें जो मिसमैच हो रहा है, जैसे कि अभी जो रिसेंट भर्ती है उस पर कोर्ट केस लगा, उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक का इश्यू है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये सामने निकल के आई है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी भर्ती पे तो संभावना ये है कि मतलब इतनी बड़ी लेवल पे अगर कोई चीज होती है तो उसके रद्द होने की पॉसिबिलिटी भी है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप सभी ने जितने भी पिछली भर्तियां देखी होंगी बहुत सी भर्तियां ऐसी रही हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना, या फिर कैंडिडेट्स जो लगे हुए थे उनको भी कुछ पीरियड सर्विस के बाद दोबारा बुला लिया गया है। ठीक है, अगर आप भी, कोई भी कैंडिडेट अगर सोचता है कि वो इस तरह से बाय यू नो अनफेयर मींस वो कुछ कर लेगा, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए कि इन फ्यूचर में जाके आपको उसका रिजल्ट ना भुगतना पड़े। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी ये, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो पैनल ने पेश की है। ठीक है, तो ये तो थी इसके रिगार्डिंग, और इसके साथ ही जो करंट भर्ती चल रही है और जो आने वाली भर्ती है उसमें बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। आने वाली भर्ती है जो अभी जो 5 से 6 हजार के अराउंड कॉन्स्टेबल रिक्रूट होने हैं, उसमें क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें ये किया है कि जो CET बेस्ड वो उठाएंगे, लगभग 6 से 7 गुना बच्चों को उठाएंगे, उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद उनमें से कुछ बच्चों को यानी 4 से 5 गुना को बुलाएंगे रेस के लिए। ठीक है, यानी फिजिकल फिटनेस के लिए। तो उसमें जो कैंडिडेट सक्सीड होगा उनका फर्दर प्रोसेस चलेगा, फर्दर में भी एग्जाम ये कंडक्ट करवा सकते हैं डेफिनेटली। तो ऐसे उनकी प्रोसेस चलेगी। और इसके साथ ही देखिए, जो
फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करें, उन चेंजेस के हिसाब से करें, ठीक है। तो खुद को इतना कैपेबल रखें कि कोई भी चेंज हो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लें। तो ये तो थी करंट जो आने वाली भर्ती है, और जो ये पीछे वाली भर्ती है, और जो करंट भर्ती है उसमें अपडेट आप सभी को पता ही है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल हर अपडेट आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इसके साथ ही जितने भी बच्चों का कमेंट है उनका रिप्लाई, इंडिविजुअल रिप्लाई दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। तो कोई भी कैंडिडेट अगर उसको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली रिजोल्व करेगी उस चीज को। जैसे जो करंट जो प्रोसेस चली हुई है करंट भर्ती की, उसमें क्या है कि बच्चों के काफी डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी डाउट है। तो आप डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजोल्व दैट यू नो हेजिटेशन और दैट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो थी हरियाणा पुलिस भर्ती से रिलेटेड। उसके साथ ही देखिए तो टीजीटी की जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दी है एचएससी ने, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो 22 अप्रैल से एग्जाम कंडक्ट होंगे दो शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में। तो टोटल 7,441 पोस्ट के लिए ये प्रोसेस चलेगी। अलग अलग जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एचएससी ने बिल्कुल स्केड्यूल्ड वाइज उसको लिस्ट जारी की है, ठीक है ना, आपके एग्जाम की। तो ये थी पूरी अपडेट। इसके साथ ही अगर आपको सिलेबस के अंदर अगर कोई इश्यू है, कोई कंफ्यूजन है एचएससी जो सीईटी मेंस का सिलेबस है, तो उसका भी रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं आप। वी विल डेफिनेटली रिजोल्व दैट। और उसके साथ ही हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस उसका ब्रेकअप किया है, 30% का अलग और 70% का अलग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज के लिए। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन यू नो कमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।